हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज ना मैं आपके साथ फिर से शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा रामन। क्योंकि मैं ना अभी फ़िलहाल एक और वीडियो डिफरेंट सी मैंने सोची थी कि मैं वो आपके साथ प्रेजेंट करूँगी, बट देन आई रियलाइज्ड कि एक लॉन्ग फॉर्मेट के बेस में मैंने रिसेंटली अभी निसिन का एक रामन डाला था जो बहुत अच्छा कॉम्बो था। तो हमने सोचा कि यार एक और है तो निपटा देते हैं उसको भी। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अभी जो हम ट्राई करने जा रहे हैं निसिन का रामन, वो है हॉट एंड स्पाइसी कोरियन किमची। तो दिस इज़ वेज ऑल्सो, पूरा वेजिटेरियन रामन है, तो जितने भी वेजिटेरियंस हैं वो आराम से ट्राई कर सकते हैं। और ये है कोरियन किमची फ्लेवर। देखो, मैंने सामयांग का और नॉन्गशिम का, दोनों का मैंने किमची फ्लेवर रामन ट्राई कर रखे हैं एंड मुझे पता है कैसे रहेंगे, उनका थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बहुत टाइम हो गया। मगर अगर आप चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर वीडियो देखना तो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। बट फिलहाल अभी हम ये वाला ट्राई करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि ये कैसा होगा। और इससे पहले मैंने निसिन के ही कुछ तीन चार ट्राई कर रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी उस पूरी प्लेलिस्ट को। और हाँ, एक चीज़ और, इसकी पैकेजिंग देखो कितनी अच्छी है, मतलब इसका कलर इन्होंने जिस हिसाब से कॉन्ट्रास्ट कर रखा है और ये फोटो अच्छी सी बना रखी है पूरी, दिस लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप चली चलते हैं, इसको बनाते हैं, पकाते हैं और देखते हैं कैसा होगा। सो लेट्स गो। तो फाइनली रेडी हमारा निसिन का कोरियन किमची फ्लेवर रामन, और ये वेज में है और खुशबू इसकी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। और ना आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई इट। और खुशबू में अलग से ना तीखापन भी है, मतलब स्पाइसी ने जो इसके, अगर निसिन वेज आपने खा रखा होगा, कोरियन वेज कोरियन वाला जो था, मैं ऊपर लिंक कर दूँगी, तो सेम वैसी इसकी खुशबू आ रही है। अब चलिए इसको ट्राई करते हैं। वेरी वाइट, कमाल कर दिया यार। आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दिस। एक और बाइट पहले लेंगे, फिर हम आपके साथ बताएंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छा, वेल डन वेल डन। मतलब ये बोलो, किमची का जो खट्टापन होता है ना, वो खट्टापन है एकदम, बहुत ही सही स्पाइस है, मतलब अच्छी स्पाइस है। तो जो लोग स्पाइसी नहीं खाते वो ना खाएंगे, या थोड़ा कम डालें, या जैसे भी ट्राई मारना चाहो तो मार लेना, मगर एकदम अच्छी वाली स्पाइस है। जैसे कोरियन वेज वाली थी ना, एकदम वैसी वाली इसकी निसिन की। और अगर जिसने वो भी अगर किसी ने, अगर मान लो वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता दूँ, जैसे चिली ऑयल नूडल नहीं होता काइंड ऑफ, वो उसमें किमची वाला जो जूस होता है वो डाल दो, जिसका जो खट्टापन है ना, एकदम ऐसे लग रहा है जिसमें कुछ नींबू, ऐसे लग रहा है जैसे इसमें नींबू का कुछ डाल रखा है, वो नींबू का फ्लेवर आ रहा है जो बेसिकली वो किमची का जूस वाला फ्लेवर है, बट वो इतना अच्छा लग रहा है ना, ये दोनों कॉम्बो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको जब खा रही हो ना, जो इसका जो खट्टापन अलग से, टैंगीनेस जो आ रही है इसकी, जो किमची वाली जो फ्लेवर की, जो कि बेसिकली थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नींबू डाल रखा है इन्होंने, उस खट्टेपन को चीनी वाले सब कंबाइन करके जो बना रखा है ना, ओए होए मज़ा आ गया। आई थिंक किमची का जो वो टेस्ट होता है ना, वो नहीं, अगर मैं बोलूँगी ना किमची वाला फ्लेवर आ रहा है वैसा नहीं, बट उसका जो एक एसेंस इन्होंने हल्का सा डालने की कोशिश करी है वो बहुत अच्छा, मतलब आपको लगेगा ना कि किमची का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा, वो नहीं आ रहा, मगर वो जो खट्टापन आ रहा है, ओए होए मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इसमें अलग से ना जैसे गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है, चिली का फ्लेवर आ रहा है, फ्लेक्स है इसके अंदर बहुत अच्छी, और उसका जो ऑयल है वो भी बहुत, मतलब ओवरऑल दिस इज़ लिटरली एन एक्सक्विजिट टेस्ट वाली, एकदम ऐसे शेफ किस इन्होंने बना रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रखा है। I cannot stop raving about it. और सच बताऊँ,
एज़ पर द प्राइस मुझे लगता है कि ये चीज़ तो है कि आप इसको फिर से ट्राई करो और मज़ा आ गया। और इसका जो जो टेक्सचर है जैसे नॉर्मल मैगी होती है ना एकदम वैसा, बस हल्का सा चुई ज़्यादा है। मज़ा आ गया। आई एम सो हैप्पी मैंने ट्राई किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है, कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो मज़ा आ गया। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम जल्दी ऐसी आपको बहुत ऐसे टेस्टी टेस्टी से वीडियोस दिखाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।